परिवार, ये पल हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि खुशी हमेशा परिवार के अंदर रहती है। और हम भाग्यशाली हैं कि अभी दादाजी और दादा जी का दोनों का साथ हमारे साथ है, पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है आपको। दादाजी केक का काट की ठीक किसोक लगे हो अपना आज प्रोग्राम करो, आज किसोक लगे हो प्रोग्राम तो बढ़िया से होगा, क्योंकि बूढ़ा की प्रेरणा देगा, बूढ़ा की सेवा करोगा, आगे होना आ रही सा बनो, आगे दादाजी ने के क्या काम करा उस पर पति की काम करा तो एकदम मतलब आश्चर्य सो हो गयो एकदम प्रोग्राम करे हो जी। हाँ आश्चर्य तो है अचानक भाई, पहले किसा जन्मदिन मनाया करता, आजकल यो युग ऐसा आ रहे है कि भाई बहुत शिक्षित लोग हो रहे हैं, आगे तरक्की कर रहे हैं, तरक्की पर रास्ता करो, अगर बूढ़ा की प्रेरणा लोगा तो अच्छा फल मिलेगा। वैसे ही बात कही है बिल्कुल, कि भाई जन्मदिन पहले, आज तो पहले भी कौन मनाया कोई जन्मदिन, यो अचानक एक प्रोग्राम बन गया, फिर मैसेज आ गया और मैसेज के माध्यम से देख लिया। बस मनावन का भी एक मात्र ये उद्देश्य था कि भी याददाश्त रह जाएगी। और परिवार एक बार के लिए क्या होता है कि जैसे प्रोग्राम होते हैं तो बहुत, क्योंकि आज के टाइम के अंदर छोटे छोटे बच्चों के जन्मदिवस मनाते हैं, बूढ़े बुजुर्गों का कोई नहीं मनाता है, लेकिन याद आया तो आज हमने एक छोटी सी पार्टी करी, मतलब मैं एक याददाश्त के रूप में लगाया और मतलब अच्छा लग रहा है, पूरा परिवार साथ में है, तो धीरे धीरे अपना खुवा दे थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक लगे कितना आज प्रोग्राम छोटो हो, एकदम से अचानक कर दियो, याददाश्त रह जाएगी, याद भी रहेगा थोड़ा, हो खुशी भी बनाएगी ना। बहुत बढ़िया हो, सारो परिवार इकट्ठा हो गए, हंसी खुशी के साथ मनाए गए, ये यादगार सदा के लिए याद रहेगा। और के इनके प्रेरणा से बूढ़ा बूढ़ी जी जो है ना, सदा सेवा करोगा तो फल मिलेगा, मालिक फल देगा, बहुत ही ज्यादा फल देगा। याददाश्त जो है ना वो बढ़िया आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, बच्चा बढ़िया।